गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लिए थे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखने के पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लीजिएगा वीडियो, तो इससे ज़्यादा आपको आसान होगा। उससे भी पहले सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख लीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट का केस आएगा। इसलिए ये तीनों इफेक्ट देखने के बाद ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल देखेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो आपको स्टेबिलिटी, हम लोग जो कार्बोकेटायन पर हैं वहाँ भी कुछ केस है, लेकिन वहाँ टोटल केस नहीं होगा, चूँकि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट का ही केस देखेंगे। मेसोमेरिक रेजोनेंस देखेंगे तो उसी का केस होगा, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन होगा तो सिर्फ उसी का केस होगा। इसलिए सब कंबाइंड इफेक्ट अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन या कार्बेनियन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, इसका प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग देख चुके हैं। हम लोग को सिर्फ स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ, पहला इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, या बोल सकते हैं पावर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, पावर भी देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किए भी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ पावर ऑफ माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यही हमको जानना है, ये हो गया मेन पॉइंट। इसको आप लोग याद रखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन या कार्बेनियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर अब कार्बोएनायन है CH2-, इस पर अगर जुड़ा हुआ है आई आयोडीन। ठीक है, दूसरा केस है CBr जोड़ दीजिए, CH2- है, Cl जोड़ दीजिए, CH2- है, और यहाँ पर F जोड़ दीजिए, CH2-। ठीक है, तो यहाँ माइनस ऑफ पावर आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका माइनस आई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी ऑर्डर यही हो जाएगा, सबसे कम ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोएनायन। ठीक है, अब जैसे देखिए,
अब ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ा तो कार्बोन आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया। अब ऐसा भी तो केस होगा कि जैसे लेते हैं CH3, CH2, CH2-, यहाँ ले लीजिए मान लीजिए F, यहाँ पर CH कर दीजिए तब यहाँ पर F हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ले लिए CH3, अब यहाँ पर ले लेते हैं, अगर एक ही टाइप का हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो, यहाँ पर किस पर डिपेंड किया, डिस्टेंस पर डिपेंड किया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट का डिस्टेंस क्या है, कम है। हम लोग क्या पढ़े थे, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पढ़े थे। ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड किया, यहाँ पर किस पर डिपेंड किया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नहीं माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी होता है, ठीक है। ये केस हो गया माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा तो माइनस आई ज़्यादा, माइनस आई ज़्यादा तो कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं प्लस आई का इफेक्ट, तो क्या पढ़े, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ना, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला एग्जांपल हो गया ए बी सी। अब हम लोग लेते हैं इस टाइप का CH3-CH3-CH2-, प्राइमरी कार्बो एनायन, सेकेंडरी कार्बो एनायन हो गया, ये टर्शरी कार्बो एनायन हो गया, ठीक है, टर्शरी कार्बो एनायन हो गया। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन क्या हो गया, कार्बो कार्बो एनायन ये क्या होता है, जाता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई दोनों तरफ से प्लस आई है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चूँकि पावर ऑफ प्लस आई बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, घट गया, नहीं पावर ऑफ प्लस आई इंक्रीजेज है, पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज इंक्रीजेज सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखिए देखते हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस पावर ऑफ माइनस आई पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ प्लस आई पर, इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तीनों में, लेकिन वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस का ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी केस हो गया ना।
इसका जो हो गया डिस्टेंस का केस हो गया, ये प्लस आई इफेक्ट के कारण डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे इसका कि अगर कार्बोएनायन है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये किसी को देने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन खींचने वाला है सब खींचने वाला ही है, लेकिन ये ज़्यादा खींचने वाला है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ये रेस्पेक्टिवली कम है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी फ्लोरिन का ज़्यादा होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बोएनायनिक कार्बन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ऑफ कार्बोएनायनिक कार्बन होता है। तो एग्जांपल जैसे लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि जैसे ये है CH3CH2+, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना हो गया, एस कैरेक्टर हो गया यहाँ 25%, हम लोग पढ़े थे बॉन्डिंग में ये सब। अब इससे ज़्यादा कार्बोएनायन ना, कार्बोएनायन ले रहे हैं। अब जैसे देखिए CH2 double bond CH- दे दिए, तो यहाँ माइनस चार्ज किस पर है, sp2 पर, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये इसका चर्चा हम लोग करेंगे कार्बोएनायनिक कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, एस कैरेक्टर इक्वल टू हो जाएगा इसमें तो 25, इसमें 33.33% होगा। और अगर लेते हैं मान लीजिए ये ले लिए एच ट्रिपल बॉन्ड एनायन इस पे दे दिए, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, ठीक है कार्बन। इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हो गया, s कैरेक्टर हो गया इसमें इक्वल टू 50%, दो ही ऑर्बिटल है 100% में, तो 50% s कैरेक्टर हो गया। अब s कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसे समझना है, परसेंटेज ऑफ ऑफ s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ना, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव कार्बन, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन ये है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, ये क्या हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, हम लोग पढ़ ही रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेनायन, तो कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर यही हो जाएगा इस टाइप में अगर रहेगा तो, ठीक है।
इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी ओ एन ओ टू सी एन ग्रुप। अब मान लीजिए कार्बोएनायन है, एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं सी एच टू माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, इधर सी एच थ्री दे दिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसका रेजोनेंस क्या हो गया सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ माइनस सी एच थ्री आ गया। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड, फिगर सेकेंड सेकेंड मोर स्टेबल स्टेबल देन फर्स्ट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर नेगेटिव, फिगर सेकेंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, नहीं मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो फिगर सेकेंड ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह हम NO2 का केस ले सकते हैं, जैसे सी एच टू माइनस एन डबल बॉन्ड ओ होता है NO2, अब ये इधर जाएगा, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव है, अब कार्बन कहाँ हो गया, ये इस पे चला गया नेगेटिव, तो सी एच टू डबल बॉन्ड एन ओ माइनस ऐसे हो गया, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड दोनों ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह सी एन का भी ले सकते हैं, तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसका लीजिए, देखिए एरोमेटिक कार्बोएनायन क्या कहेंगे, एरोमेटिक टर्म जो आया तो जैसे हमको एरोमेटिक कब होगा, जब वो 4n प्लस 2 पाई रूल को फॉलो करेगा, हैं 4n प्लस 2 पाई रूल को फॉलो करेगा तो वो मेरा एरोमेटिक हो जाएगा। तो जैसे ये है साइक्लो, ये एनायन आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ये जैसे ये माइनस चार्ज यहाँ है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे सब हो गया ना, ये साइक्लो पेंटाडाइनाइल एनायन है, साइक्लो पेंटा डाय साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन ये एरोमेटिक है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस भी पॉसिबल है और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये क्या करता है, फॉलो हकल्स रूल, हकल्स रूल है, प्लेनर है स्ट्रक्चर, साइक्लिक रेजोनेंस है, सब फॉलो करता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। जब एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग क्या पढ़े थे, हुकल्स रूल को फॉलो करें, प्लेनर हो, सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, साइक्लिक रेजोनेंस में हो, तो ये सब फॉलो करता है, सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, तो ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कार्बोएनायन जो होता है क्या होता है, ये स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें क्या है,
साइक्लोपेंटाडाइल एनायन स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज। ये जो है ये साइक्लोपेंटाडाइल एनायन स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल कार्बेनियन हो गया। ठीक है, पचमा देखिए, पचमा होता है कि अगर कार्बो एनायन, ठीक है, इफ कार्बो एनायन अटैच्ड विथ फास्फोरस और सल्फर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी जो होगा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग तो होवे क्या, इसमें होता क्या है, देखिए इसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, फास्फोरस एंड सल्फर का डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, डी ऑर्बिटल ऑफ और बाइटल ऑफ पी एंड एस आर वैकेंट। ये क्या होता है, इफ कार्बो एनायन अटैच्ड विथ फास्फोरस एंड सल्फर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल ऑफ पी एंड एस आर वैकेंट। ठीक है, सो डीलोकलाइजेशन ऑफ negative charge of carbanion by vacant D ऑर्बिटल। तो P और D एटम में क्या है, D ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, जब D ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा तो इसका निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर के वैकेंट D ऑर्बिटल में चला जाता है, इसलिए क्या होता है, स्टेबिलिटी को फास्फोरस या सल्फर अटैच रहेगा तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये सब प्रोसेस हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन का। तो हम लोग ओवरऑल ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या स्टेबिलिटी होता है। अब हम लोग लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ये सब तो रीजन हुआ, अब इसका देखते हैं फाइनल फ्लो चार्ट में क्या आएगा। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट पहले देखिए, ये है एरोमेटिक कार्बेनियन, ठीक है, ये है बेंजाइल कार्बेनियन, ये है एलाइल कार्बेनियन। एलाइल कार्बेनियन से कम स्टेबल जो होता है ये होता है, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बेनियन,
कार्बेनियन कीजिए माइनस चार्ज, ठीक है, इससे कम हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच पे रहेगा माइनस चार्ज, तो ठीक है, इससे कम हो जाएगा मिथाइल कार्बेनियन, इससे कम स्टेबल हो जाएगा इथाइल कार्बेनियन, इससे कम हो जाएगा सेकेंडरी कार्बेनियन, इससे कम हो जाएगा टर्शरी कार्बेनियन, टर्शरी कार्बेनियन, ठीक है। तो यहां देखिए, यहाँ पर तो ये एरोमेटिक कार्बेनियन मोर स्टेबल बेंजाइल कार्बेनियन होता है। अब है एलाइल कार्बेनियन, जानते हैं इसमें चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये तो हो गया एसपी हाइब्रिडाइज्ड पर नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, रेस्पेक्टिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। उसके बाद मिथाइल कार्बेनियम प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। प्लस आई कारण क्या होगा, ये सब रीजन हो गया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, यहाँ से यहाँ इसका डिस्कस करेंगे, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, यहाँ से यहाँ करेंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आर एस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोएनायन या कार्बेनियन, ठीक है, कार्बोएनायन बोलिए या कार्बेनियन बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये कार्बो कैटायन का क्या है, उल्टा है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको आप लोग केयरफुली देखिएगा, इसके पहले कार्बो कैटायन का स्टेबिलिटी देख लीजिएगा, उसके पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख करके तब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए, तब आपको मज़ा लगेगा, समझने में मन लगेगा, ठीक है। क्योंकि सब हम लोग उसी का इफेक्ट शो कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए यही हो गया आपको कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो वीडियो को जो न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता जाएगा। जो ओल्ड व्यूअर है लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।